फ्रेंड्स, तो अगर आप ब्रह्मास्त्र की थियोरीज को शुरू से फॉलो कर रहे हो तो आपने ये उड़ती उड़ती खबर तो सुनी होगी कि SRK के वानर अस्त्र के ऊपर एक सोलो मूवी बनाने का प्लान हो रहा है। पर ये बात सिर्फ फैंस ही नहीं बल्कि आयान मुखर्जी ने खुद ही कही है कि जब 2019 में वो SRK वाले सीन को शूट कर रहे थे तभी उनको इस कैरेक्टर के पोटेंशियल का अंदाजा लग गया था। और इसलिए दोस्तों इसी बात को मद्देनजर रखते हुए आज मैं एक ऐसी थ्योरी लेकर आया हूं जिसे अभी तक YouTube के अंदर किसी ने भी कवर नहीं किया होगा। लेकिन हाँ, जैसे ही ये वीडियो अपलोड होगी इस थ्योरी के ऊपर मल्टीपल वीडियोस बनने वाले हैं। और दोस्तों ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी होने वाली है जो कि शाहरुख खान के कैरेक्टर को एक नई स्टोरी देगी। तो यार इसलिए इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखना। तो चलो अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर आप ब्रह्मास्त्र की थ्योरीज को शुरू से ही फॉलो कर रहे हो तो एक उड़ती हुई चिड़िया ने आपसे ये तो कहा ही होगा कि जिस मोहन भार्गव को हमने ब्रह्मास्त्र के अंदर देखा है वो असल में स्वदेश वाला मोहन भार्गव है। लेकिन इसका सोर्स क्या है? ट्रस्ट मी ब्रो। तो हाँ भाई, फिलहाल तो ये एक थियरी ही है, लेकिन भाई इस थियरी में दम तो जरूर है। कैसे? मैं बताता हूँ। तो यार देखो, लोग ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि पहली बात तो दोनों का नाम सिमिलर है और फिर दूसरी बात ये है कि दोनों ही साइंटिस्ट है। अगर आपने शाहरुख खान की स्वदेश मूवी देखी है तो आपको ये पता होगा कि शाहरुख खान उस मूवी में एक साइंटिस्ट था जो कि नासा में काम करता था, लेकिन उस मूवी के एंड होते होते वो इंडिया में आके रहने लगा अपनी कावेरी अम्मा की वजह से। हाँ, अपने देश के प्रति प्यार तो उसका जागा ही था, लेकिन यार मेन रीजन थी कावेरी अम्मा, क्योंकि ये जो कावेरी अम्मा थी वो शाहरुख खान के साथ अमेरिका नहीं जाना चाहती थी। शाहरुख खान लाख मनाने की कोशिश करता था कि कावेरी अम्मा प्लीज मेरे साथ अमेरिका चलो, लेकिन वो बोलती थी नहीं, मैं तो नहीं जाएगी, मेरे को अपने भारत में ही रहना है। तो दोस्तों अब मेरी एक्चुअल थियरी यहाँ से शुरू होती है। अगर सच में ब्रह्मास्त्र में दिखने वाला शाहरुख खान स्वदेश वाला शाहरुख खान है तो ऐसा हो सकता है कि ये जो कावेरी अम्मा है वो ब्रह्मांश की एक मेंबर हो। क्योंकि दोस्तों अगर आपने ब्रह्मास्त्र मूवी देखी है तो आपने ये देखा होगा कि जितने भी ब्रह्मांश के मेंबर्स थे वो मोस्ट प्रोबेबली एल्डर मेंबर्स ही थे, मतलब कि सभी की एज कावेरी अम्मा जैसी ही थी, और ये लोग काफी सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी अपने अस्त्रों की रक्षा कर रहे हैं। तो यार ऐसा पॉसिबल तो हो सकता है ना कि कावेरी अम्मा के पास भी कोई अस्त्र होगा और वो भी ब्रह्मांश की एक मेंबर ही होगी। पॉसिबल है या नहीं? हाँ, कंडीशन एक ही है कि स्वदेश और ब्रह्मास्त्र को एक दूसरे से लिंक करना पड़ेगा, जो कि फैन थियरीज के हिसाब से लिंक हो चुकी है। लेकिन उसका सोर्स? ट्रस्ट मी ब्रो। और मैं इस ट्रस्ट मी ब्रो वाले हिसाब किताब से ही चल रहा हूँ। अगर ये फेल हो गया तो फिर इस थियरी का कोई मतलब नहीं। लेकिन दोस्तों फिलहाल इस थियरी को सच मान लो और मेरी बात सुनो। तो देखो, अब स्वदेश मूवी के एंड में शाहरुख खान तो इंडिया में ही रुक गया, और इसलिए ऐसा हो सकता है कि उसने इंडिया के इसरो को ज्वाइन कर लिया हो और उसके बाद उसकी कहानी आगे बढ़ी हो, लेकिन एक दिन कावेरी अम्मा की डेथ हो गई हो। लेकिन कावेरी अम्मा ने मरने से पहले शाहरुख खान को अपनी असलियत बताई हो कि असल में वो एक ब्रह्मांश की मेंबर है, और वो जो ब्रह्मास्त्र का एक टुकड़ा और वानर अस्त्र शाहरुख खान के पास था वो शायद पहले कावेरी अम्मा के पास ही होगा। और जैसा कि ब्रह्मास्त्र मूवी के अंदर हमें बताया गया है, पीढ़ी दर पीढ़ी ये अस्त्रों के रक्षक अपने आने वाली पीढ़ी को ये अस्त्र पास ऑन कर देते हैं। तो दोस्तों क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मरने से पहले कावेरी अम्मा ने शाहरुख खान को सब कुछ सच बता दिया हो कि असल में वो ब्रह्मांश की एक मेंबर है, और अब उनके जाने के बाद शाहरुख खान को ही इस वानर अस्त्र और ब्रह्मास्त्र के इस टुकड़े की रक्षा करनी होगी। और दोस्तों अगर मैं सही जा रहा हूँ तो ऐसा हो सकता है कि कावेरी अम्मा के डेथ के बाद शाहरुख खान मिलने के लिए जाएंगे अमिताभ बच्चन से, जहाँ अमिताभ बच्चन उसको ब्रह्मांश का एक मेंबर बनाएंगे और उसको पूरी हिस्ट्री बताएंगे, और उस दिन के बाद से ही शाहरुख खान वानर अस्त्र का ओनर और ब्रह्मास्त्र के उस टुकड़े का रखवाला बन जाता होगा। यार आई नो कि आप लोगों को ये थियरी बहुत ही पसंद आई होगी, लेकिन यार समझ रहे हो ना, ये थियरी तभी करेक्ट हो सकती है जब असल में स्वदेश मूवी और ब्रह्मास्त्र मूवी आपस में लिंक्ड हो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर इस थियरी का कोई भी मतलब नहीं। लेकिन यार हाँ, अगर स्वदेश मूवी को सच में ब्रह्मास्त्र के साथ लिंक किया गया तो ये थियरी काफी अच्छी है, कम से कम मुझे तो अच्छी लग रही है। बाकी आप लोगों को ये थियरी कैसी लगी है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो चलो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।